हेलो एवरीवन, हैंड टू हार्ट में फिर से एक बार स्वागत है। अभी इस तरह की खारे फ्रेश खजूर या फ्रेश डेट्स जो भी कहते हो बहुत अच्छी मिलती है। इसका बहुत ही अच्छा सीज़न है। दो कलर में मिलती है, ये रेड और येलो। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और पकी हुई तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इससे ही वो खजूर बनती है और सूखी हुई खारे जो मार्केट से लेकर आते हैं वो भी इसमें से ही बनती है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ऐसे फ्रूट की तरह तो आपने खाई होंगी, लेकिन आज हम इसको थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे, मसाला खारक बनाते हैं। बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। रेसिपी देखने के बाद अगर हैंड टू हार्ट में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ये रेड वाली खारे के लिए है, जिसको इस तरह से कट लगाकर हम इसके सीड्स निकाल लेंगे। इसमें जो बीज होते हैं वो हमें रिमूव करने हैं। बहुत इजीली ये निकल जाते हैं। आप रेड लो या येलो कोई भी खारे ले सकते हो। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक और एक नींबू का रस। ये बहुत ही चटपटी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो ज़रूर ट्राई करें। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम छोड़ देंगे करीब 3-4 घंटे, या फिर ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो आप। इससे ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी और नमक और नींबू के पानी में ये टेस्टी भी बन जाएगी, खटी हो जाएगी। बीच बीच में अगर इस तरह से हिला दोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है और नमक का पानी हो गया है, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो स्ट्रेनर में हम निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अब इसके लिए हम स्टफिंग रेडी करते हैं। गुड़ लिया है मैंने करीब 3-4 चम्मच, या फिर आप अपने रिक्वायर के हिसाब से लें। 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 नींबू का रस हम ले लेंगे। नमक हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले इसको शॉक करने में ऐड किया था, फिर ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम फिल करेंगे खारक में। अब आप इसको इस तरह से इमीडिएटली भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ऑलरेडी हमने खारे को शॉक करके रखा था तो ये सॉफ्ट तो हो ही चुकी है थोड़ी सी, तो ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर इसको 1-8 घंटे छोड़ देते हो तो इसका जो गुड़ है उसका पानी हो जाएगा, जैसे हम खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं गुड़ और नींबू का पानी हो जाएगा तो चटनी जैसा हो जाएगा ये। तो ये पानी के साथ भी आप सर्व कर सकते हो, खा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो हमने फ्रेश खजूर ली है, आप चाहो तो सूखी हुई जो खजूर मिलती है खारिक उसको भी भिगोकर ये बना सकते हो, वो मार्केट में रेडीमेड मिलता है। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो फ्रेंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में।